अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ हुज़ैफ़ा अडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसे सेटअप पर लेके आया हूँ जो कि एक बिल्कुल यंगस्टर है, ठीक है, और स्कूल लाइफ में है अभी, और माशाल्लाह इतने प्यारे सेटअप को, इतने बड़े सेटअप को हैंडल कर रहा है। हम उससे मिलेंगे और उससे थोड़ा सा मालूम करेंगे कितना टाइम हुआ है इसको इस हॉबी के अंदर, और मेरे साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और इस हॉबी के अंदर उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और वो अभी किस तरह इस हॉबी को जॉय कर रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं उससे और आप लोगों को सारी अपडेट देते हैं। कुछ पेयर्स में मैं उसके दिखाऊंगा आपको, कुछ ब्यूटीफुल इसकी कलेक्शन दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप इसको पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इतने प्यारे सेटअप को जो हैंडल कर रहे हैं उससे हम थोड़ा सा मिलते हैं। ये है मोहम्मद बिलाल। बिलाल आप मुझे बताओ कि आपकी एज क्या है। 15। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप। 9th क्लास में आप हो और 15 ईयर्स आपकी एज है। भाई इनकी एज 15 ईयर्स है और 9th क्लास में ये हैं। लाल मुझे आप ये बताओ कि आपका इस हॉबी के अंदर आना कैसे हुआ, आप किस तरह इससे इंस्पायर हुए इस हॉबी से, और आपको कितना टाइम हो गया इस हॉबी के अंदर, और आपने क्या क्या अचीव किया है इससे। अच्छा आप मेरी वीडियोज़ देखते थे, तो आप मेरी वीडियोज़ में क्या आप इंस्पायर किन चीज़ों से हुए। ब्रीडिंग से इंस्पायर हुए, शौक पड़ा बर्ड्स का, क्या बिजनेस मॉडल। अच्छा इंस्पायर हो गया आप, ऐसा है। और कितना टाइम हो गया इस हॉबी में। एक साल हो गया। तो आप जब मेरे पास आए थे वो कब, कौन सा टाइम था और मुझसे क्या क्या लेके गए थे। आपके पास आया था अगस्त में आप मेरे पास आए थे और यूरो की म्यूटेशन थे। अच्छा यूरो की म्यूटेशन, जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने बिलाल को यूरो की म्यूटेशन दी थी और चेक्स दिए थे, चेक्स में मेल ईमेल कंफर्म दिए थे, आज उन्होंने अपने पास एक वीडियो पे लगाए हैं। देखें इस तरह होता है कि लोग माशाल्लाह सेटअप्स लगाते हैं और बुलाते रहते हैं, मैं जाता भी हूँ ऐसी बात नहीं है, मगर ये कि बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। मगर ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज बिलाल की कलेक्शन दिखाऊंगा। इतना सा यंगस्टर लड़का है, ठीक है, इसने अपने मामू की जगह पर, ये बता रहा है मुझे कि ये इसके मामू की जगह है, वहाँ पर इसको एक रूम खाली था, तो इसने माशाल्लाह इतना प्यारा सेटअप डाला है। और मैंने इसको कुछ ये यूरो की म्यूटेशन दी थी जिसमें एक फोन सेल्फ यूरो का पेयर मैंने इसको दिया था, एक ग्रे इनो स्प्लिट का पेयर दिया था जो कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक ब्राउन के अंदर एक पेयर मैंने इसको ये मौका ब्राउन का दिया था। और माशाल्लाह बिलाल अभी आपके सबकी ब्रीड आ रही है माशाल्लाह। देखें अभी मैंने चिक्स दिए थे आपको ना, चिक्स ले पर रेडी टू फर्स्ट ब्रीड एजेस में थे, मोल्ड क्लियर हो रहे थे और मेल फीमेल कन्फर्म थे। और इसी के साथ कथरोड का एक पेयर मैंने बिलाल को दिया था जो कि ये रहा, ये स्प्लिट इनो का पेयर था और इसने मुझे खुद मैसेज करके बताया था इसमें से इनो भी निकले थे इनो इसमें से, ऐसे ये पक्की बात है। तो अभी एक और कथरोड का भी बच्चा बिलाल के पास निकला है, मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये देखें अभी इसके बाद ब्लैक निकला है, इससे पहले इनो निकला था इसके पास, मगर वो सर्वाइव नहीं करा पाया। इंशाल्लाह ये कि मज़ीद ये ब्रीड में सर्वाइव करा पाएगा। तो इंशाल्लाह एक पेयर ये भी मैंने इसको पाइड का दिया था, पाइड स्टार का येलो हेड के अंदर, जो इम्पोर्टेड लाइन हमारे पास आई थी होम ब्रीड में से मैंने पेयर बना के दिया था। बाकी बिलाल के पास जो है ऑरेंज की वर्किंग्स लगी हुई हैं, एक पेयर ये गोल्डियंस में कुछ पेयर इसने लगाए हुए हैं, एक ये गोल्डियन का पेयर लगाया हुआ है, एक ऑरेंज का पेयर यहाँ पर ऑरेंज की वर्किंग में लगाया हुआ है, माशाल्लाह इसमें से बच्चे भी बाहर निकले हुए हैं। तो देखिए मैं आपको कंप्लीट ब्रीडिंग तो नहीं दिखाऊंगा, फोस्टर के लिए बिलाल ने एक ये पोर्शन लगाया हुआ है, एक ये पोर्शन लगाया हुआ है, और एक ये तीन पोर्शन इसने फोस्टर के लिए लगाए हुए हैं। एग्जॉटिक में दो शार्प टेल लगाई हुई है, एक तकरीबन 5-6 पेयर गोल्डियन के, 1, 2, 3, 4, 8 और ये मैं कहता 4-4, ये वही केजेस हैं जो मेरे आप लोग यारी वाले सेटअप पर देखते थे जब मैं सेल कर रहा था, वहाँ से मूव ऑन कर रहा था सेटअप से, तो बिलाल ने मुझे बोला होता भाई ये केजेस आपने मुझे देने, तो लाइटिंग्स भी इसने चेंज कर दी हैं, केजेस वही हैं, ठीक है। तो 8, 8, 16, 16, 8, 24 केजेस इसने रखे हैं एग्जॉटिक के, और 12, 12, 24, 24, 12 36 केजेस इसने रखे हैं पोस्टिंग के। और इसी के साथ जेबरा की कुछ म्यूटेशंस बिलाल ने यहाँ लगाई हुई हैं, दो एक 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 करके पेयर लगाया हुआ है, पेयर बाय पेयर ना, जिसमें इसने ये पाइड अपना पाइड ब्लैक फेस लगाया हुआ है एक पेयर मेरा मेल, ठीक है, इसमें इसने एक और पाइड का पेयर लगाया हुआ है एनजी के अंदर, इसमें इसने इसका ब्लैक फेस का पेयर लगाया हुआ है। देखिए कितना माशाल्लाह इसने ना क्लियर तरीके से काम रखा हुआ है। जब मैं इंटर हुआ ना तो मेरा दिल हुआ कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं बहुत सेटअप्स पे जाता हूँ, बहुत रेयरली वीडियोज़ बनाता हूँ मैं। एक पेयर मुझे बिलाल का ये बड़ा पसंद आया, ब्लैक हेड का येलो बैक का, तो ये है। इसके साथ इसने यहाँ पर 4 पोर्शन की फ्लाइंग बनाई है, 1, 2, 3, 4, ये फ्लाइंग बहुत अच्छी है चिक्स के लिए।
तो देखें ये इस तरह लोग स्टार्टअप करते हैं, हॉबी के अंदर आते हैं। इतना सा यंगस्टर लड़का है माशाल्लाह। आपको कितनी देर लगती है यहाँ पर दाना पानी मैनेज करने में? आधा घंटा तकरीबन और एक घंटा। देखो भाई, आधा एक घंटा आप दाना पानी में लगाते हो, बाकी बर्ड्स की चेकिंग कब करते हो? रोज़ करते हो या एक दिन छोड़ के एक दिन क्या तरतीब होती है? रोज़ तकरीबन करता हूँ चेकिंग में। मेरे हिसाब से शायद ही मुश्किल से आधा घंटा लगता होगा। तो ये है कि इस तरह देखें माशाल्लाह सेटअप चलता है और लोग हॉबी को एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह सेटअप्स लगा रहे हैं। देखें एक्सपेरिया स्टार का मिलेट खा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है बिलाल। इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं। बिलाल से बहुत अच्छा लगा बिलाल से मिलके। अभी हम थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिलाल का सेटअप बड़ा पसंद आया होगा। एक पेर यहाँ पर पार्सन का भी लगाया हुआ है बिलाल ने माशाल्लाह। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मीडिया पर नहीं हैं। आप लोग समझते हैं कि जो मीडिया पर है वही कमा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मीडिया पर होना ज़रूरी है बर्ड सेल करने के लिए, ऐसा नहीं है। इसको एक साल हुआ है माशाल्लाह, इसने ब्रीड काफ़ी ली है और मजीद अभी इसके पेयर ब्रीड की तरफ लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सीज़न बहुत अच्छी हेल्दी ब्रीड लेंगे और ये है कि नेक्स्ट सीज़न और अपने आप को ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।